साजदा को सलाम देगा, सलाम इस महत्वपूर्ण दिन पर प्रत्येक वर्ष राजौरी की मुक्ति के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीदों की याद में राजौरी दिवस मनाया जाता है। सबको ये पता ही है कि 13 अप्रैल को हमारी राजौरी में जब हमारी हिंदुस्तान की जब फौज आई थी तो पहले ग्वालियर थे यहाँ पे, जब हिंदुस्तान की फौज आई तो तब उस टाइम हमें ये पता लगा कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं और हम अमन में हैं। उस टाइम हमें ये हुआ कि हम बिल्कुल सेफ हैं, इसलिए हम आर्मी का भी शुक्रगुजार हैं और ये आर्मी तब से आज तक यहाँ पर राजौरी डे मनाती है। इसलिए हम राजौरी वासियों के भी मनाना चाहिए, अपने लोगों के लिए, अपने जितने भी हमारे शहीद यहाँ पे 1947 में हुए थे उनकी याद में ये मनाया जाता है। आज इंडियन आर्मी की तरफ से ये जो राना हवाई पट्टी है वहाँ पर राजौरी डे को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। हर बार इस दिन को बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाता है, इस बार भी वैसा कार्यक्रम हुआ। सिविलियन और इंडियन आर्मी के जो लोग हैं, फौजी हैं हमारी, उनके साथ मिलकर हमें ये दिन प्राप्त हुआ। इसमें बड़े बड़े अच्छे लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स वगैरह सारे आए। ये दिन हमें उन वीरों को याद दिलाता है जिन वीरों ने इस राजौरी को आज़ाद करने के लिए अपनी शहादत दी। आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और यहाँ पर उस समय राजौरी शहर में पाकिस्तानी फ़ौज कवालियों की शक्ल में आई और उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया। किस तरह से यहाँ पर उन्होंने अत्याचार किए, हमारे लोगों ने डटकर मुकाबला किया। आखिर 13 अप्रैल 1948 को इंडियन फोर्सेस यहाँ पर पहुँची और राजौरी आज़ाद हुआ है। उसी प्रकार इस दिन को आज उन लोगों को सिमरन करने का दिन है। आज के दिन पर हम लोगों से यही अपील करते हैं कि जिस तरह से हम बाकी त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उसी प्रकार राजौरी डे को भी अच्छे ढंग से मनाया जाना चाहिए, फेस्टिवल के तरीके से मनाया जाना है। इसी प्रकार कल 14 अप्रैल को भी हम राजौरी में जो एक उन शहीदों की याद में बलिदान स्तंभ का निर्माण किया गया, उसका भी कल 10 बजे उद्घाटन होगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि कल 14 तारीख को सुबह 10 बजे वहाँ पर पहुँचेंगे, उन महान आत्माओं को, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने इस देश को आज़ाद, इस राजौरी शहर को आज़ाद करने के लिए अपनी शहादत दी। कल उनको अच्छे ढंग से विधिवत तरीके से श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनको याद किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज 13 अप्रैल का दिन आर्मी वाले राजौरी डे मनाते हैं। जब 1947 को कबालियों ने हमला किया, राजौरी शहर को चारों तरफ से घेरा गया, उस वक्त राजौरी शहर के लोगों ने महसूस किया कि अब हमारी माताओं बहनों की इज्जत जो है महसूस नहीं है। वो तमाम लोग यहाँ बलिदान भवन है वहाँ पे इकट्ठे हुए और माताओं बहनों ने फैसला किया कि हम अपनी इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। उन्होंने जहर खा के अपनी शहादतें दी। हिंदू भाइयों ने अपनी माताओं बहनों का कत्ल भी किया और उनकी इज्जत महफूज रखी। उसके बाद आज का दिन 14 अप्रैल 1948 को हमारी फौज जो है चिंग से आगे बढ़ी और राजौरी को दोबारा फतेह किया और राजौरी को दोबारा हिंदुस्तान के साथ मनाया गया। आज इसके दिन के अंदर मैं अपनी फौज को, आर्मी को और कम्बैट फोर्स को मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने दोबारा राजौरी को हिंदुस्तान से मनाया। आज राजौरी जो है तरक्की कर रही है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। हम लोग आज के दिन खुशी से रह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आज का बड़ा एक शुभ दिन है। आज के दिन हमारी जो है फौज की बदौलत राजौरी और पुंछ को आज़ाद करवाया गया था।